subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोएज पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रा के शेयर को लेके। कुछ अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है, कोशिश करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, कि स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपको ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक्स या फिर IFL से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखे रखा है, जरूर एक बार देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग का, तो हमारे जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। तो दोस्तों, रिलायंस का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है एक बहुत ही बढ़िया अपडेट देखने को मिला है। और अगर आपने ADAG के कोई भी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है, फिर शेयर खरीदे, तो आपको पता रहेगा कि अभी जो चल रहा है ADAG के शेयर्स में, हर एक शेयर में जब भी आप तेज़ी देखेंगे तो उसके पीछे जो अगर देखेंगे तो वही आता है कि डेप्ट कम करने के लिए जो उसमें काम किया जा रहा है। अभी यहाँ पे ऐसे ही कुछ अपडेट आया है रिलायंस इंफ्रा के शेयर को लेकर। रिलायंस इंफ्रा में लगभग जो है 1400 करोड़ का जो है, फिर से एक बार हम लोग बोल सकते हैं कि फंड का जो है उसमें बात किया जा रहा है। तो 1400 फंड कैसे आएगा, क्या आएगा, सब इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देंगे। यहाँ पे को बताना चाहेंगे कि इसका मतलब हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपको रिलायंस इंफ्रा का शेयर खरीदना है या फिर नहीं है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं कि स्टॉक में क्या करना चाहिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ADAG के जो भी शेयर है उसमें अगर आप शेयर खरीदते हैं तो एक बार अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले, बेचने से पहले। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, 6 महीने से आप देख सकते हैं स्टॉक में जो बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिला है। और 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस जो 28.90 पैसे चल रहा था, 6 महीने के अंदर स्टॉक में रिटर्न देखने को मिला 203.63% का। 1 मंथ पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 66.55 पैसा, 1 मंथ के अंदर स्टॉक में रिटर्न देखने को मिला है 31.86% का। 5 डेज में आप देखेंगे तो स्टॉक में जो एक बहुत जबरदस्त हम लोग को तेजी बनता हुआ दिखा, 1 दिन का देखेंगे तो भी यहाँ पे एक अच्छा हम लोग को स्टॉक में पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जबरदस्त पैटर्न स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। 6 महीने के अंदर स्टॉक का प्राइस अगर आप देखेंगे 100 रुपये के ऊपर पहुंच गया था, 105-6 रुपये के पास पहुंचा, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देने के बाद फिर से एक बार स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ अपडेट्स है यहाँ पे जिसके चलते हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक में जो एक तेज़ी भी बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर 1 दिन का हम लोग देखेंगे स्टॉक का हाई प्राइस, ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, तो आप देख सकते हैं स्टॉक जो है ओपन हुआ था 83.60 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 87.75 पैसे का, लो प्राइस दिया 80.75 पैसे का। तो अभी यहाँ पे जो अपडेट है चलिए एक बार वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा को लेके जो अपडेट आया है, यहाँ पे ऐसा अपडेट आया कि रिलायंस इंफ्रा का जो, चलिए यहाँ पे एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं हम लोग। रिलायंस इंफ्रा ने जो है अभी फिलहाल जो है सिंगापुर बिजली कंपनी से बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या अपडेट है जो है, मतलब क्यूब हाईवेज फॉर जो है एक 4 रोड्स, मतलब 4 रोड जो है, जो एसेट्स है 4 रोड्स का, वो जो है सेल करने के लिए रिलायंस इंफ्रा बात कर रहा है सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी से। आगे का पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे और यहाँ पे कितना अमाउंट उसको जो है, कितना अमाउंट आएगा, वैल्यू क्या है वो एंटरप्राइज का, आप देख सकते हो 1430 करोड़ का रिलायंस इंफ्रा स्ट्रक्चर जो आर्यनफ्रा के नाम से जाना जाता है, इन टॉक्स विथ सिंगापुर बेस्ड क्यूब हाईवेज फॉर द सेल ऑफ इट्स 4 रोड एसेट, 4 रोड का जो एसेट्स है वो बेचने के लिए, और एंटरप्राइजेस वैल्यू कितना है 1430 करोड़। तो बहुत ही बड़ा ये एक अपडेट है रिलायंस इंफ्रा के शेयर को लेकर, क्योंकि रिलायंस इंफ्रा में हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। रिलायंस इंस्टा में मतलब स्टॉक का प्राइस 105-6 रुपये पहुंचा, उसके बाद एक करेक्शन दिया, और अभी यहाँ पे जो करेक्शन देखने को हम लोग को मिल रहा है रिलायंस इंफ्रा के शेयर में, जो करेक्शन देखने को मिल रहा है उसके पीछे यहाँ पे अपडेट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, कि जो ये अपडेट आया है 1430 करोड़ का जो यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वो मिलने वाला है अगर वो डील फाइनल होता है, तो जो 4 रोड है उसका एसेट बेचने के बाद अगर मतलब ये डील फाइनल होता है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, उसमें से भी जो है जो रिलायंस इंफ्रा के डेब्ट वगैरह है शायद से वो कम करने के लिए काम लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आता है रिलायंस इंफ्रा को लेकर। फिलहाल यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा में ये अपडेट है और इसी के चलते हम लोग को स्टॉक पे भी थोड़ा तेजी बनता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा और एक तेजी बनता हुआ दिख जाए आपको। सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है, अगर आप शेयर खरीदते तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते, आशा करते जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।